वनराज शाह के धोखे और अनुज कपाड़िया के दोगलेपन से डरी अनुपमा ने सब रिश्तों के ऊपर किए दरवाजे बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक बात मैं जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि ये तो हम धारावाहिक देख रहे हैं, इसमें हमें पता है कि आने वाले समय में अनुपमा अमेरिका जाके एस्टेब्लिश होने वाली है, अपनी उड़ान भरने वाली है, पंख अनुपमा को मिल गए हैं। अगर रियल लाइफ में ऐसा हो, जैसा कि किसी भी औरत के साथ ऐसा हो जिसको हमें रियल लाइफ में पता नहीं होता, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट होता है, तो क्या हम इतने स्ट्रांग हो पाते हैं? क्या हम वाकई उस लड़ाई को लड़ पाते हैं? यही कहानी है अनुपमा की, जो इस धारावाहिक के जरिए दिखाई जा रही है। अनुपमा की अगर हम बात करें, उसके किरदार की बात करें, तो 5 सालों में उसको नहीं पता कि वो क्या करने वाली है, आगे क्या होने वाला है। जो भी 5 साल की उसकी जर्नी है वो हम इस एक शॉट से देख पा रहे हैं, जिसमें एक दरवाजा है जिसमें इतनी सारी कड़ियां लगी हुई हैं। तो इस शॉट से, अनुपमा की इस हालत से हम क्या क्या सोच पाए, कहां तक पहुंच पाए? क्या हम बात नहीं करेंगे आज वनराज शाह की? क्या हम बात नहीं करेंगे आज अनुज कपाड़िया की? जरूर करेंगे, क्योंकि ये जितने भी दरवाजे पे कड़ियां लगी हुई हैं, ये यही दिखाती है कि अनुपमा रिश्तों से डर गई है। वो अनुपमा जो रिश्ते बनाती थी, गैरों को भी अपना बनाती थी, उसने गैरों के लिए भी दरवाजे बंद कर दिए। तो सोचिए कितना असर हुआ होगा अनुपमा पे। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये धारावाहिक मुझे अच्छा लगता है, आप सब जानते हैं मैं बहुत ही सीरियसली हर चीज को इसमें सोचती हूँ। हाँ, दुनियावी लेवल पे बहुत सारी बातें होती हैं, मगर यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आती है कि अच्छाई की हार हो गई, बुराई की जीत हो गई, जो इस शॉट से भी पता चलता है, अनुपमा की हालत से भी पता चलता है कि अच्छाई हार गई, बुराई जीत गई। मगर मैं इस चीज को नहीं मानती हूं। मैं इस चीज को मानती हूं जो मैं बचपन से सीखती आई हूं, देखती आई हूं, सुनती आई हूं, जिसमें ये हमें सिखाया गया है, हमें महसूस हुआ है कि जिसने भी अच्छाई का बीड़ा उठाया, चाहे वो संत हो, चाहे वो पीर फकीर हो, चाहे भगवान हो, जिन्होंने भी अच्छाई को फैलाने का, दूसरों को खुश रखने का बीड़ा उठाया है, उसको दर्द ही मिला है। अगर जैसे आज की हिसाब से हम देखते हैं कि कमेंट्स आते हैं कि अनुपमा को ये कहना चाहिए था, अनुपमा को वो कहना चाहिए था, तो अगर हम इस सिचुएशन को लेके चले, जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण टीवी पे कितनी बार आती भी है, तो जब श्री राम को वनवास हुआ था, तो जिनको ये चीजें फील होती हैं कि ये बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, वो वहां पे भी ये कह सकते हैं कि भगवान राम को बोलना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा ही अधिकार है, अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए था। मगर भगवान राम ने एक मैसेज देना था, वो उन्होंने दिया, जो कि अच्छाई पे चलने वाला मैसेज। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो रामायण एक एग्जाम्पल है जिसको आप कनेक्ट कर पाते हैं। इसी नोट पे ये वीडियो में मैं बात करना चाहती हूं कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि अच्छाई की हार हुई, मत सोचिए, हार इन पैमानों में नहीं तोली जाती है। अच्छाई की हार इन पैमानों में नहीं तोली जाती है। अच्छाई करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जिनको समाज वाले लोग, और जो लोग सिर्फ इन पैमानों में अच्छाई को तोलते हैं, वही लोग उनको ऐसा बोल सकते हैं, मगर अच्छाई इससे कहीं ऊपर है। तो ये तो अनुपमा को झेलना ही था, क्योंकि उसने अच्छाई फैलाने का, अच्छा जो वो अपने आप को, उसका दिल अच्छा है, उसको सामने लेके आई, उसकी उसको कीमत चुकानी पड़नी थी, इसलिए चुकानी पड़ी।
वरनाज शाह ने धोखा दिया, डिवोर्स हो गया, अनुपमा ने डिवोर्स ले लिया। अनुज कपाड़िया ने जिस अनुपमा को प्यार किया उस अनुपमा को वो 3 साल झेल नहीं पाया, अंत में उसका जो अंदर का गुबार था वो निकला, दोगलापन था कि जब जिस अनुपमा को प्यार किया है वही अनुपमा तो तुम्हारी वाइफ बनेगी ना, वही रिश्तों के साथ तो अनुपमा को एक्सेप्ट किया, वही रिश्ते वो निभाएगी। उसके बीच अगर आप आ गए तो फिर वो अनुपमा क्या करे जो आपको प्यार भी नहीं करती थी, जिसने आपके साथ प्यार इतना किया जब उसने किया कि आप में ही समा गई, आपके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया कि ये इंसान कम से कम मुझे गलत नहीं समझेगा, तो इस बंदे का दोगलापन सामने आया तो अनुपमा टूट गई कि ये वो अनुज कपाड़िया नहीं है जिसको मैंने प्यार किया था। मगर फिर भी दुआएं दी, नजर उतारी और चली गई। ये है अच्छे लोगों की निशानी। मगर अच्छे लोगों को झेलना पड़ता है भाई, अच्छा होना कोई आसान काम है नहीं। अच्छाई दिल में होती है, वो अच्छा इंसान बुरा कर नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वो बुराई होती नहीं है। इसलिए आज एक के बाद एक कुंडी लगाई हुई है अनुपमा ने। वो कोई ना तो नया रिश्ता बनाना चाहती है ना पुराने रिश्तों से मिलना चाहती है, यहां तक कि सोशल मीडिया पे भी उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अब कमाई करनी है, जरिया कुछ खाने पीने का चाहिए तो यूट्यूब, जैसे कि हम सब अपने अपनी जगह पे स्ट्रगल करते हैं, तो एक माध्यम उसने चुना जिसके जरिए वो अपना गुजर बसर कर रही है और फेमस है। मगर वो उसमें खुश है, कितनी खुश है वो नहीं समझ में आया, अपनी शक्ल तक देखनी छोड़ दी है, इसीलिए तो शक्ल नहीं दिखाती है कि वो नहीं चाहती कि कोई मुझे देख ले और फिर वापस मेरे पास आए। कोई भी किसी का भी दिल करे कभी कि अनुपमा को मिलना है, अगर मैं अपना चैनल पे शक्ल दिखाऊंगी तो मिलने आ सकते हैं, मगर उसने शक्ल नहीं दिखाई हुई। तो ये इस अनुपमा की इस हालत का नतीजा ये दो लोग हैं। वनराज का पन्ना फाड़ दिया था उसने बिल्कुल, मगर अनुज कपाड़िया ने वनराज को फिर से उसकी जिंदगी में उसके प्यार पहले प्यार के तौर पे जिंदा किया, हर्ट हुआ। तो ये सारी जो मैंने आज आपसे बातें की हैं, ये इसी सीन को देख के बातें की हैं, जो मैंने शुरू किया था कि भविष्य पता होता है हम लोगों को क्योंकि हम सीरियल में प्रोमो देखते हैं, सब देखते हैं। अगर हमें ना पता हो तो आज हम सब लोग अनुपमा की इस हालत में आंसू बहा रहे होते, मगर हमें पता है कि आगे होने वाला क्या है। तो ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि अनुपमा जो थी वही इनके सामने थी, मगर इन लोगों ने अपना दोगलापन दिखाया, खास करके अनुज ने। तो ऐसे लोग होते हैं और मैं आपको यह बताऊं इसमें कुछ गलत नहीं है, मगर फिर आप अच्छे होने का, महान होने का नाटक मत करो अनुज कुमारी। आप हो नॉर्मल मर्द, आप हो नॉर्मल इंसान, आप नॉर्मल वाइफ चाहते हो, आप सब कुछ वैसा चाहते हो, तो फिर ये महानता का नाटक करके आपने बहुत गड़बड़ कर दी। आप दिल खोल के 3 बच्चों की मां के साथ शादी कर रहे हो क्योंकि आपका पहला प्यार थी वो, और 3 साल में उसी अनुपमा को आप डाइवोर्स दे देते हो। अब डाइवोर्स किसने दिया, क्या दिया, कैसे हुआ, ये रिवील नहीं हुआ, मगर जब होगा तब होगा, मगर डाइवोर्स तो हुआ ना, क्योंकि घर से कौन गई अनुपमा, किसी ने नहीं रोका, नहीं रोका अनुज ने, नहीं रोका अनुपमा को। अब अनुपमा ने डाइवोर्स मांगा तो भी अनुज ने डाइवोर्स तो दिया होगा, साइन तो दोनों ने किए हैं, अनुपमा डाइवोर्स मांग सकती है क्योंकि जब उसने रिश्ता ही तोड़ दिया तो वो मांग सकती है। और अगर अनुज डाइवोर्स दे दे कि अनुपमा ने मांगा है तो मैं अब उसको डाइवोर्स भी दे दूंगा, तो ये तो रिश्ता बचाने वाली बात तो हुई ही नहीं। अगर आपने गड़बड़ की है अनुज कपाड़िया तो आपको वहां पे संभालना चाहिए था। अनुपमा ने कितनी कोशिश की आपको बचाने की, आपको वापस लाने की,
मगर ये जो चैप्टर हुआ ना अनुज कपाड़िया का, इस तरह से ये पसंद नहीं आया, चाहे करैक्टर को उभारने के लिए हुआ हो अनुपमा के, क्योंकि अनुपमा के नाम पे धारावाहिक है जो भी है, मगर अनुज कपाड़िया की इमेज मेरी नजरों में बहुत अच्छी थी। मैं तो ये सोचती कि ऐसे लोग होने चाहिए औरतों की जिंदगी में, जो कि औरतों को अपने आप से ऊपर उठाएं। मगर अल्टीमेटली वही हुआ, वही पुरानी बातें, वही सब चीजें कि शादी के टाइम पे ये वो सब, आज मैं मुझे टाइम नहीं दे रही हूं, वही वही जो नॉर्मल आदमी झगड़ा करते हैं। तो ये है जो मुझे फील हुआ है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे ये देख के बुरा लगा, बट पता है क्या होने वाला, इसलिए अच्छा भी लगा। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.